मैं नीलम आप सभी का स्वागत करती हूं नमस्कार न्यूज में। तो आज हम आए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की महासभा में, जो इससे पहले एक संगठन रह चुका है और आज एक पार्टी के रूप में चुनावी दंगल में उतर पड़ा है। और आज हम बात करेंगे नीलेश जी से, जो इस पार्टी के युवा नेता है जिन्होंने चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरना चाह रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप क्लियर करना चाहते हैं? पहली बात, आज तक जो भी मोदी जी ने आज तक जो भी आश्वासन या वादे किए, वो कोई भी चुनाव पूरा कंप्लीट किया ही नहीं वादा उन्होंने। इसके लिए जो भी सभी मुद्दों है, अभी जो आतंकवादी का ये हुआ कश्मीर में, उसको लेके भी लोग बहुत तंग में है। जो भी दिखाने का एक कर दिखाया एक और किए एक है। अभी जो भी चौकीदार भी बने, अभी चौकीदार ही चोर बन गए। इसके लिए लोगों के कोई भी आश्वासन पूरे हुए ही नहीं है। उन्होंने जो राम मंदिर का आश्वासन दिया था, धारा 370 कश्मीर के ब्राह्मणों को वहाँ पे बसाएंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे और युवाओं को रोज़गार देंगे, ऐसे अनेक जो वादे किए थे, ऐसे किसी वादे को पूरा नहीं किया। इसको हमने अपना मुद्दा बनाकर हम हिंदुस्तान निर्माण दल डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में आज देश भर में हम चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे कि आम बात हो गई है, चुनाव से पहले लोग वादे करते हैं और हम समाज के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में क्या होता है जब चुनाव प्रक्रिया में लोग जीत जाते हैं तो उन वादों से मुकर जाते हैं और वो वादे हो नहीं पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अभी वो तो मुझे पता नहीं, मगर हम लोग पूरा कमिटेड है। जो हमने वादा किया है उनकी अपनी कोई बंधन होगा या उनका कोई निजी स्वार्थ होगा कि गरीबी हटाने के जगह गरीबों को ही हटा रहे हैं, मगर हिंदुस्तान निर्माण दल पूरा कमिटेड है। धारा 370 समान नागरिक कानून, गौ रक्षा पूर्ण प्रतिबंध और अयोध्या में रामलला का मंदिर का निर्माण, किसानों की कर्ज माफ़ी, जो अनेक सामाजिक समस्या है वो सारे, और शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, ये सारे विषय लेकर हिंदुस्तान निर्माण दल इस समय पूरे भारत में चुनाव लड़ रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है बहुत युवा उम्मीदवार हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आप जीत जाते हैं? युवाओं के लिए सबसे पहले तो जो नशाबंदी है, जो भी युवक सब बिगड़ रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान जो हमारा चालू भी है, उसमें सब युवकों के लिए स्कूल का जो भी है, कॉलेज का फीस भी जो भी कम भी, कोई युवकों को फीस के वजह से पढ़ाई कम पड़ती है, पढ़ने नहीं जाते, तो उसके लिए हम हमारी संस्था से और संगठन से उनका शिक्षण पूरा करेंगे, ऊपर से उनको रोज़गार भी दिलाएंगे, और बाद में माता भगिनों के लिए जो बहन है माता है उन लोग के लिए सिलाई मशीन का भी हम लोग ने नियोजन किया है उनको रोज़गार देने के लिए। और बाकी अब जो मैं चुनाव लड़ने के बाद आगे जो संसद में जाऊंगा, तभी हमारा पहला ये रहेगा कि राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा मजबूत रहनी चाहिए, और राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा रहेगी तो यहाँ के नागरिकों में अच्छा सुरक्षित रहेंगे, नागरिक सुरक्षित रहेंगे। वो पर हमने हिंदुस्तान निर्माण दल इसी उद्देश्य से, हमारे जो नीलेश जी ने कहा कि इसी उद्देश्य से बनाए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी दूर हो उसके लिए क्या अच्छा कदम उठा सकते हैं वो करेंगे। और पुलवामा में जिस तरह की घटनाएं घटी, जिस तरह से कश्मीर में हमारे फौजियों पे पत्थरबाजी होती है, हमारी सत्ता आ गई तो हम सीधा ऑर्डर निकालेंगे कि जो पत्थरबाज है उनको उनके ऊपर बमबारी किया जाए और वहाँ पे बराबर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, और सारे जितने भी अलगाववादी ताकत है उनको हम लोग जेल की सलाखों में डालेंगे। अनिल जी, आपको क्या लगता है यहाँ की लोकल जनता आपको वोट देंगी, जिताना चाहेंगी? जी, मैं कोशिश तो पूरी करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ईशान्य मुंबई पे तो बहुत हलचल चालू है से, मतलब उस चीज़ को लेके कि कोई कौन सा नेता ईशान्य मुंबई का खासदार बने, क्योंकि कोई भी नेता उस लायक तो है ही नहीं। आज तक जितने भी खड़े थे उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, वादे किए, एक भी किसी नेता ग्राउंड लेवल पे उतरा नहीं काम के लिए। जो ग्राउंड लेवल पे आता है वही नेता सामान्य लोगों में मिलकर जो काम करता है, स्थानिक लेवल पे क्या जो भी लोगों की व्यवस्था क्लियर नहीं, मतलब उनको के लोगों को कुछ मिलता नहीं है, राशन का कुछ इशू है या नाले का काम है, सफाई का काम है, पानी की टिन चाहिए, तो कोई भी जो भी हाल होते हैं लोगों के, तो वो लोगों को जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तभी उनको मालूम पड़ता है हमारे लोग चाहिए, हमें लोग चाहिए। तो मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों को लेके काम कर रहा हूँ, करके लोगों मुझे चुन के देंगे, मुझे आश्वासन है। और अभी के जो भी है बीजेपी का है, राष्ट्रवादी का है, उन लोग के भीड़ में भी ये इशू चालू है, इन लोगों को वोट किसको दे, लोगों का यही मानना है कि हम वोट किसे दें। हमारी चर्चा भी हुआ रही, हमारी संगठन की शिष्टमंडल की भी वे बैठक हुई, तभी लोगों की हमने विचार मांगे, तो लोग बोले हम
आप ग्राउंड लेवल से खड़े हो जाओ, हम आपको चुन के लाएंगे, हमें कोई भी नेता नहीं चाहिए। तो नीलेश जी ये बताइए, सरकार की ऐसी कौन सी नाकामी रही है कि हिंदुस्तान निर्माण दल को चुनावी प्रक्रिया में उतरना पड़ा है? सरकार ने जो भी आज तक वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं, उनको वादों को हमें तोड़ के हमें अच्छा सा संदेश लोगों को देना है कि आज की जो सरकार आएगी वो हिंदुओं की सरकार आएगी। उसके रिगार्डिंग जो भी है सरकार में आज जो भी हुआ है वो आज के आगे नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं आदरणीय हमारे प्रवीण जी तोगड़िया साहब ने जो मुझे एक संधि दी है चुनाव के लिए, उसके वो संधि में अगर मैं संसद में जाऊँगा तो मैं पहला मेरा यही धोरण रहेगा कि मैं अयोध्या का राम मंदिर के लिए मैं वो पहला क्वेश्चन हाथ में लूँगा। और दूसरा मैं लोगों के लिए रोज़गार, ये तरुणों युवकों के लिए रोज़गार भी देने का करूँगा, धोरण रखूँगा। उसके बाद शिक्षा, शिक्षण, रोजगार के साथ भी वो भी जरूरी है बेरोजगार लोगों के लिए। नीलेश जी, सरकार की ऐसी कौन सी नाकामियाँ रही है जिनके कारण हिंदुस्तान निर्माण दल को चुनावी दंगल में उतरना पड़ा है? राष्ट्रीय लेवल पर सुरक्षा और लोगों का विकास होना जरूरी है, मागासवर्गीय वर्गों का विकास भी जरूरी है। जिस हेतु से हमने 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, उसका ढंग से जो रिस्पांस चाहिए था ना युवाओं को मिला, ना किसानों को मिला, ना फौजियों को मिला, ना देश को मिला। पूरे देश के जो अर्थव्यवस्था है नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर पूरा चरमरा गई है। ये सारे सब देखने के बाद एनालाइज हुआ और सभी लोगों ने डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी को मार्गदर्शन करके हिंदुस्तान निर्माण दल का हमने चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अभी निर्णय लिया है। युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आप चुनाव प्रक्रिया जीत जाते हैं तो? युवाओं के लिए रोजगार देना मेरा हक है, मैं पहला धोरण मेरा यही रहेगा, युवाओं को रोजगार देना और सिखाना पढ़ाना उनके लिए। जो कम पढ़ रहे हैं वो हमारे संगठन से तरफ से हम पूरा करेंगे। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का निर्माण किया गया है, बहुत विवादित मुद्दे भी हुए हैं श्री प्रवीण तोगड़िया जी के साथ में, तो उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि जो हमारे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी हैं इनके साथ भी बहुत जास्ती हुई है, और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनाया गया है उनसे पहले एक बैठक, व्यापक बैठक में एक 5 मुद्दे का सर्कुलर बनाया गया था। सबसे पहले हमारा राम मंदिर था। प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने उनसे बात किया मीटिंग में, मीटिंग में पहले सरकार पर बहुत बना दी गई और हमारा हिंदुओं के लिए एक भी काम मोदी जी नहीं किए हैं, यही सबसे बड़ा विवादित है हम लोग का। हिंदुओं के लिए आप क्या सोचते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है तो इसके बारे में हिंदुओं के लिए आप क्या करने का सोचते हैं? सबसे पहले हमारा लक्ष्य है राम मंदिर बनाना, ये हमारे मोदी जी ने शपथ लिया था और वादा भी किया था कि हमारी पूर्व बहुमत सरकार बनेगी तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा राम मंदिर को बनवाना जी। और युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे? युवाओं को रोजगार देना और शिक्षा को बढ़ावा देना, ये हमारे तोड़िया जी का सिद्धांत है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा में अभी जो सरकार है अभी क्या शिक्षा के लिए कुछ कर नहीं रही है? फिलहाल तो नाकामयाब है, खाली अब मनमानी किए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के प्रति कोई कार्य नहीं किए, युवाओं के प्रति कोई कार्य नहीं किए हैं और शिक्षा के प्रति भी कोई कार्य नहीं किए हैं। और ये हमारे प्रवीण भाई तोगड़िया जी का शपथ है, ये वादा किए हैं और हम लोग को ऐसी उम्मीद है कि ये जो भी काम करेंगे सक्षम रहेंगे और पूरा करेंगे।